हिंदुस्तान की आवाम को मैं इत्तला करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को जिस दिन तुम अपनी आज़ादी मनाते हो उसी दिन तुम्हारे मुल्क के प्रधानमंत्री का सरेआम कत्ल कर दिया जाएगा। हिंदुस्तानियों, तुम चाहो जितना जोर लगा लो अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, इस 15 अगस्त के दिन उसका बच पाना नामुमकिन है। हेलो मेजर बख्शी। बताइए ऑफिसर। मेजर, आपने तो न्यूज़ देख ही ली होगी, भले ही वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर खोखली धमकियां दे रहा हो, पर फिर भी हम पीएम की जान को लेकर रिस्क नहीं ले सकते। मुझे जल्द से जल्द एक काबिल ऑफिसर चाहिए पीएम की सिक्योरिटी के लिए। मिल जाएगा ऑफिसर, मुझे थोड़ा टाइम दो। यही तो बात है, टाइम ही तो नहीं है, कल 15 अगस्त है, हमें जो भी करना है आज ही करना होगा। तुम चिंता मत करो, आज ही करूंगा जो करना है। ओके। चैन सर। विश्राम। वेल डन ऑफिसर, तुमने हर बार की तरह इस बार भी कर दिखाया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन अभी कुशा मनाने का वक्त नहीं है, अभी तो इससे भी बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। खबर मिली है कि 15 अगस्त पीएम पर हमला हो सकता है, इसलिए मुझे मेरे सबसे काबिल ऑफिसर को वहां भेजने के लिए आदेश आया है। तुम इसी वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ। जी सर। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ सवाल पीएम की जान बचाने का नहीं है, सवाल इस देश की इज्जत का है, क्योंकि हर देश का मुखिया उस देश की इज्जत है। सर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अपनी जान पे खेल के इस देश की इज्जत की रक्षा करूंगा। सर, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं तुम्हारे हौसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन अभी तुम जल्दी से दिल्ली के लिए निकलो। ओके सर। जय। सर, थॉट के हमें इस बार 15 अगस्त के दिन जो झंडा रोहण का प्रोग्राम है उसे कैंसिल कर देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तुम पागल हो गए हो, अगर हम झंडा रोहण नहीं करेंगे तो आतंकवादियों को लगेगा कि वो जीत गए और हम हार गए हैं। उन सबसे भी ऊपर हमारे देश की इमेज क्या जाएगी बाहर के देशों में? झंडा रोहण होगा और 15 अगस्त के दिन ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, आतंकवादियों की धमकी से मैं डरूंगा और झंडा रोहण नहीं करूंगा? झंडा रोहण होगा और 15 अगस्त के दिन ही होगा। तुम तुम्हारी सिक्योरिटी टाइट रखो और तैयारी रखो, और हाँ, तुम जाके माधुरी बेटी को कॉलेज से ले आओ, वो फ्री हो गई होगी। ओ मैडम, किसके इंतजार में खड़ी हो यहाँ पर? हमारे साथ चलो, वो तो पता नहीं कब तक आएगा। वैसे आप क्यूट बहुत हो। मेरे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अरे हाथ क्या यार, अब क्यूट हो तो हो आप। अरे छोड़ो भैया, आज अरे छोड़ दो सर, ये आप प्लीज आ। अरे इसकी टांग। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं। हर बार मैं नहीं आऊंगा, अपनी रक्षा खुद करना सीखो। मैं क्यों करूं, फिर तुम किस लिए? अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, हम इस रेस्टोरेंट में चल के कुछ खाते ना, प्लीज चलो। अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान को इत्तला करने का कि जब दर्द की चीख निकलती है तो सुनने वाले भी बहरे हो जाते हैं। पागल हो क्या? एक खूबसूरत लड़की तुम्हें अपने हाथ से पिज्जा खिला रही है और तुम हो के इस फोन में लगे हुए हो। मुझे ना तुम्हारा ये रूड बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। पापा की धमकियां दे देके कब तक काम चलाओगी? मैंने कहा था मुझसे प्यार करने के लिए। गलती हो गई देवता, जो तुमसे प्यार कर लिया, अब क्या मुझे इस गलती का भुगतान पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा? फोन दो। तो ये तुम्हारे नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, फोन दो मुझे। बाहर में गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉल, मुझे फोन नहीं ना। फोन दो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। हेलो। और ऑफिसर, कैसे चल रही है तुम्हारी सिक्योरिटी? वैसे तो तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, और मैं फालतू की बात भी नहीं करूंगा। बस तुम तो मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो, इस 15 अगस्त को तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं बचेंगे। देखो तुम जो भी हो। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है? चलो चलो यार, चलो आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, जल्दी चलो। लेकिन हुआ क्या? रेक, 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 रेक,
मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अगर पीएम की सिक्योरिटी में 1% भी लापरवाही हुई तो वो दिन तुम्हारा नौकरी पे आखिरी दिन होगा। नहीं तो कैसे जैसे करके पीएम को मैंने मनाया है कि है ना किसी नॉर्मल सी स्कूल में जाके आप झंडा रोहण कर दो, किसी बड़ी जगह पे कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करेंगे, वरना पीएम मान ही नहीं रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे लिए देश ज़्यादा ज़रूरी है, मैं किसी आतंकवादी से डरने वाला नहीं। पीएम से भी ज़्यादा ज़रूरी उनकी सुरक्षा है क्योंकि पीएम कहीं पे भी कुछ भी करें उनकी जिम्मेदारी हमारी है, इस बात को याद रखें। सबसे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें जो काम दिया है उस काम को परफेक्टली करो। स्नाइपर्स तैनात है, पोजीशन से क्या मतलब है? पोजीशन मैंने बताई थी कि उनकी पोजीशन स्ट्रेट रहेगी, सामने रहेगी। हाँ, सामने सारे पोजीशन पे खड़े होने चाहिए, मुझे एक भी कोई लापरवाही करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। और कमांडोस, कमांडोस पहुंच चुके हैं यहाँ पे। पीएम की सिक्योरिटी करना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी तरह की लापरवाही रिस्क हम नहीं ले सकते। कमांडो फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस और स्नाइपर सब अपनी जगह पे तैनात होने चाहिए, सब मेरे टच में रहेंगे और मेरे कमांड के अकॉर्डिंग सारी चीजें करेंगे। इज दैट क्लियर? कैसे हो ऑफिसर? मैं जानता हूँ तुम अपने नेता की सिक्योरिटी में लगे होंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आज 11 बजे तुम्हारे पीएम की मौत निश्चित है। क्या हो ऑफिसर, सब कुछ ठीक है? और तुम तो क्या, पूरा हिंदुस्तान कुछ नहीं उखाड़ पाएगा मेरा।